हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक रशियन मूवी कोमा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों पर लोग इस मूवी को रशियन इंसेप्शन भी कहते हैं। तो चलिए सीधे मूवी की कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है विक्टर नाम के एक आर्किटेक्ट से, जो कि नींद से उठता है। तब उसकी चारों तरफ की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होती है। पूरा शहर आड़ा तिरछा नजर आ रहा था, मानो कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है। आगे जाने पर विक्टर की नज़र एक अजीब काले क्रिएचर पर पड़ती है। उसे देखकर विक्टर की फट के चार हो जाती है। तभी वो क्रिएचर विक्टर को देख लेता है और वो सीधे उस पर धावा बोल देता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर विक्टर को बचा लेते हैं। ये लोग उस क्रिएचर को रीपर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग भाग रहे थे और रीपर उनका पीछा कर रहा था। जहाँ एक जगह फैंटम, जो कि उस ग्रुप का लीडर था, वो रीपर को रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान रीपर नीचे गिरते समय फैंटम के हाथों में एक स्क्रैच कर देता है। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों को रीपर एक जगह घेर लेता है। तभी उस ग्रुप का एक आदमी, जिसका नाम पायलट होता है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके रीपर को बम से उड़ा देता है। रीपर मरते तो नहीं हैं, पर इनको थोड़ी देर के लिए रोका जरूर जा सकता था। समय मिलने पर ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं उसी ग्रुप में विक्टर एक फ्लाई नाम की लड़की से मिलता है और उस लड़की से इस अजीबोगरीब दुनिया के बारे में पूछता है। तब फ्लाई बताती है कि यह दुनिया यादों की दुनिया है और यहाँ वही लोग आ सकते हैं जो कि असली दुनिया में कोमा में हैं। और वो विक्टर को बोलती है कि या तो उसका एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर उसने दवाइयों का ओवरडोज लिया होगा। अपने आप को कोमा में होने की बात को सुनकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दुनिया कोमा की दुनिया है। फ्लाई विक्टर को बताती है कि इंसान कोमा में जाने से पहले कुछ यादों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है, जिसे कि वो कोमा की दुनिया में भी ले आता है। आगे एक जगह फ्लाई विक्टर के घाव को हील करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर्स थी और फ्लाई की पावर्स दूसरों के घावों को हील करने की थी। पर फैंटम को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर फ्लाई को पसंद करता था। फिर वे सभी लोग एक बस के थ्रू अपने अड्डे पर आ जाते हैं, क्योंकि वो बस एक पोर्टल की तरह काम करता था और रीपर्स को अभी तक उस रास्ते का पता नहीं था। यहाँ हम ग्रुप के बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वहाँ एक स्पिरिट नाम की औरत होती है, जिसमें कि इल्यूजन क्रिएट करने की पावर्स होती है। वो पायलट की मौत की बात को सुनकर बहुत दुखी थी। वहीं टैंक नाम का आदमी इस ग्रुप की रक्षा करने का काम करता था। एक एस्ट्रोनोमर नाम का आदमी था, जो कि इस कोमा की दुनिया में मैप की कैलकुलेशन करता था। इस पूरी बेस का लीडर यान नाम का आदमी होता है, जिसको इस कोमा की दुनिया के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था। फिर फ्लाई विक्टर को उसका रूम दिखाने ले जाती है। वो बताती है कि यान एक ऐसे आइलैंड की तलाश में था जहाँ के रीपर कभी ना पहुँच पाए। उसी समय विक्टर अपने आप को कोमा से उठाने की कोशिश करता है, पर फ्लाई उसे रोक देती है और उससे कहती है कि उसके यहाँ आने का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। तभी एक कमरे में विक्टर को रियल दुनिया के वजूद दिखते हैं। तब फ्लाई बताती है कि ये इंसानों के सपनों के कुछ अंश हैं। फिर फ्लाई विक्टर को उसके रूम में ले जाती है। उसी दौरान विक्टर पूछता है कि क्या फैंटम और उसके बीच कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि फैंटम को विक्टर का फ्लाई के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फ्लाई बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसी रात विक्टर अपने रियल जिंदगी की झलक देखता है, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था और दीवार पर उसके सपनों के अंश बन जाते हैं। अगली सुबह विक्टर के रूम में फैंटम आकर उसे फ्लाई से दूर रहने की धमकी देता है, पर विक्टर इशारे से बोलता है कि वो उसकी धमकियों से नहीं डरता है। तब फैंटम को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को उसकी खास पावर चेक करने के बहाने कूट देता है। इससे विक्टर की पावर्स तो सामने नहीं आती है, पर उसकी पसलियाँ जरूर टूट जाती है। पर पावर्स ना होने के कारण विक्टर को लेबर ग्रुप में डाल दिया जाता है। उसी रात विक्टर को फिर से वही एक्सीडेंट वाला सपना आता है। इस बार वो देखता है कि उसके साथ एक लड़की भी थी, पर उसका चेहरा उसे क्लियर दिखाई नहीं देता है। दूसरे दिन फैंटम अपने ग्रुप के साथ कहीं पर बारूद लेने जाने वाला था, पर आदमी कम होने के कारण
उसे अपने ग्रुप में और आदमियों की जरूरत होती है। तभी वहाँ लीडर यान विक्टर को उसके साथ जाने बोलता है। यान को विक्टर पर पता नहीं क्यों पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। फिर सभी लोग बारूद वाले लोकेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कोमा की ये दुनिया बहुत ही अजीब है। एस्ट्रोनॉमर विक्टर को बताता है कि कोमा के अंदर अगर कोई अपने आप को खोज ले तो वो कोमा से बाहर निकल सकता है। तभी स्पिरिट को एहसास होता है कि रिपस नज़दीक हैं। तब एस्ट्रोनॉमर बताता है कि रिपस को उनके पास पहुंचने के लिए 2 दिन लगेंगे क्योंकि रिपस को रास्ता नहीं पता होता है। फिर वो विक्टर को बताता है कि ये रिपस भी कभी इंसान थे, मतलब कि अगर कोमा की दुनिया में अगर कोई मर जाता है तो उसकी मेमोरी वाइप हो जाती है और वो रिपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वे किसी इंसान को घायल कर देते हैं तब उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे वाइप होने लगती है और लास्ट में वो भी रिपर बन जाता है जिनके पास अपनी कोई यादें ही नहीं रहती है। फिर वे लोग एक्सप्लोजिव वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही गार्ड्स मौजूद थे। तब स्पिरिट अपनी पावर से कुछ साथियों को उस जगह पर टेलीपोर्ट करती है और वे लोग उन गार्ड्स को मार देते हैं। वे सभी अंदर जाते हैं। वहाँ पर पानी तो नहीं था पर एक बड़ा सा टॉर्पीडो मिसाइल थी जिसके अंदर से उन्हें एक्सप्लोजिव निकालना था। तभी स्पिरिट को एहसास हो जाता है कि कुछ रिपस उनके ही तरफ आ रहे हैं। इससे टीम के सभी लोग घबरा जाते हैं और उनको कोमा में अपनी मौत दिख रही थी। तभी विक्टर अपने दिमाग पर काफ़ी प्रेशर डालकर सोचता है कि काश यहाँ एक बड़ी दीवार होती तो वे लोग बच जाते। बस उसका यह सोचना था कि रिपस और उनके बीच एक बड़ा सा दीवार क्रिएट हो जाता है, मतलब कि अब विक्टर के पास स्ट्रक्चर क्रिएट करने की पावर होती है। फिर वे लोग उस एक्सप्लोजिव को चुराकर अपनी बेस पर वापस आ जाते हैं। विक्टर की पावर्स का पता चलने पर ग्रुप लीडर यान सबसे ज़्यादा खुश था। तब यान रात को विक्टर को एक स्ट्रक्चर बनाने कहता है ताकि यहाँ के सभी लोग इस कोमा की दुनिया से रिपस से सेफ रह सकें। पर यह बात थोड़ी अजीब थी कि कोई अपनी दुनिया को छोड़कर क्यों कोमा की दुनिया में रहना चाहेगा। विक्टर कंफ्यूज था। उसे पता नहीं था कि आखिर वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा कैसे। तभी फैंटम बीच में बोलता है कि विक्टर को अपनी पावर समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, पर यान को उसका बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसे लीडर पद से हटा देता है और किसी और को टीम लीडर बना देता है और फैसला लेता है कि नेक्स्ट डे से ही वो स्ट्रक्चर का काम शुरू कर देगा। पर फैंटम को यान की बातों पर शक होने लगता है और वो यान पर नज़र रखने लगता है क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जानने के लिए मेमोरी का क्लियर होना ज़रूरी था। अगले दिन यान और ग्रुप के सभी लोग न्यू स्ट्रक्चर साइट के लिए निकलते हैं पर तभी उन पर रिपर्स का हमला हो जाता है। यहाँ फैंटम अपनी जान की बाजी लगाकर यान को बचाता है पर फैंटम को पहले से ही रिपर द्वारा एक चोट लगी थी और इसीलिए वो भी रिपर में कन्वर्ट होने लगता है। फिर सभी लोग वापस उसी बस की तरफ जाने लगते हैं ताकि वे लोग वापस अपनी बेस पर जा सकें। वहीं विक्टर अपनी पूरी शक्ति दिमाग पर लगाकर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है पर दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने पर वह कोमा की दुनिया से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है। रियल वर्ल्ड में विक्टर एक आर्किटेक्ट था और फ्लाई इस रियल वर्ल्ड में उसकी गर्लफ्रेंड थी। विक्टर को एक बहुत बड़ी कंपनी में एक प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया था और उसे मीटिंग के लिए कंपनी में अकेले जाना था। अकेले जाने की बात को सुनकर फ्लाई को थोड़ा शक हो जाता है, इसीलिए वो विक्टर को अपना गन दे देती है। अंदर जाने पर वो वहाँ के बॉस से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस कंपनी का बॉस यान होता है। यहाँ यान विक्टर को बताता है कि उसने लोगों को एक अच्छी और शानदार लाइफ देने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें वो लोगों को कोमा में रखता था और उनको एक दूसरी रियलिटी में ले जाता था जहाँ वो लोग एक ऐसी लाइफ जी सकते थे जो कि उन लोगों ने इस रियल लाइफ में नहीं जी पाए थे। प्रोजेक्ट की टेस्टिंग में कुछ लोगों को कोमा की दुनिया में ले जाया गया। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था पर सभी लोग कोमा में सर्वाइव नहीं कर पाए। उनकी यादें धुंधली होती गई और इसीलिए कोमा की दुनिया में आड़ी तिरछी स्ट्रक्चर बन गई। उन लोगों को याद ही नहीं था कि बिल्डिंग्स नीचे होती है और ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसीलिए पूरी कोमा वर्ल्ड की बिल्डिंग्स उल्टा पुल्टा होने लगी और कुछ लोगों की हालत तो इतनी ख़राब होने लगी कि वे लोग इस कोमा की दुनिया में ही मर जाते हैं और वे सब रीपर बन जाते हैं।
यहाँ विक्टर का ये काम होता है कि वो कोमा की दुनिया में जाकर एक ऐसी बिल्डिंग बनाएगा जिसमें कि रीपर्स कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पर कोमा में जाने की बात को लेकर विक्टर कन्विंस नहीं होता है और वो फ्लाई का दिया हुआ गन दिखाकर फ्लाई के साथ कार में भाग जाता है और यान के लोग उसका पीछा करते हैं और इसी भागम भाग में विक्टर और फ्लाई के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं और उनको बेहोशी की हालत में ही कोमा में डाल दिया जाता है। पर दोनों को कोमा की दुनिया में अपने रिलेशनशिप का कुछ भी याद नहीं था। वहीं यान जैसे ही कोमा से उठता है, यान उसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लैकमेल करता है, वरना वो फ्लाई का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही हटा देगा। इसीलिए विक्टर वापस कोमा के वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर उसी जगह जाता है जहां वे लोग अभी तक रीपर से लड़ रहे थे। विक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है और रीपर्स को मार देता है। उसके बाद वह बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। बिल्डिंग इतनी बड़ी और सुंदर और सुरक्षित थी कि वहाँ रीपर्स कभी नहीं पहुँच सकते थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद विक्टर कहता है कि अब उसे अपनी दुनिया में वापस जाने दे, पर यान उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि उसे उस दुनिया में उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस स्ट्रक्चर को और मॉडिफाई करने के लिए। पर वो विक्टर को एक क्लू देता है कि अगर उसने अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे कोमा की दुनिया में उसी हॉस्पिटल को ढूंढना होगा और उसी से वो कोमा की दुनिया से बाहर रियल वर्ल्ड में जा सकता है। और तभी विक्टर का दिमाग की बत्ती जलती है। जहाँ विक्टर सोता था वहाँ सपनों के कारण एक बिल्डिंग बनी थी, तो फिर वह फ्लाई और एस्ट्रोनॉट को लेकर उसी कमरे में चला जाता है और तीनों उस कमरे से सपने में चले जाते हैं। तीनों उस कमरे को ढूंढने लगते हैं जहाँ इनको कोमा में रखा गया है। वहीं एस्ट्रोनॉट की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि यान के लोग रियल वर्ल्ड में उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे थे। तभी वहाँ अचानक से यान आ जाता है और विक्टर को मारने लगता है। यान विक्टर को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ एक रीपर आ जाता है और वो रीपर यान को मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो रीपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है। वो विक्टर की मदद करके उसे बाहर निकलने में मदद करता है। फैंटम रीपर उसे एक पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखाता है। विक्टर जब उस स्ट्रक्चर के पास जाता है तब रियल वर्ल्ड में विक्टर को होश आ जाता है। होश आने के बाद विक्टर फ्लाई को होश में लाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ कोई भी उसको नहीं रोकता है क्योंकि यान की मौत हो चुकी थी। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं। हम दोनों को घर में खुश देख पाते हैं। विक्टर काम की तलाश कर रहा था। वहीं टीवी पर एड चल रही थी जिसमें यान की कंपनी ने सक्सेसफुली कोमा लाइफ बना दिया था। बाहर आने पर विक्टर और फ्लाई ने यान की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट किया था, पर सबूत के अभाव के कारण केस क्लोज हो गया था। वहीं विक्टर के पास यान की कंपनी से एक लेटर आया था जिसमें उसे एक न्यू स्ट्रक्चर बनाने का ऑफर आया था। शायद काम न मिलने के कारण विक्टर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ले और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।